फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष पर। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये कुछ ग्रैनुलर टाइप की चीज़ है। इसका हम खेती में और बागवानी में किस तरीके से प्रयोग करें, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ये असल में जिप्सम है, जिसको हम कैल्शियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसका रासायनिक जो नाम है वो कैल्शियम सल्फेट ही है। अक्सर क्या होता है कि जब हम बहुत समय तक की अपनी मिट्टी के अंदर DAP, यूरिया, NPK तरह की रासायनिक खादों का अगर हम यूज़ करते रहते हैं या उनका प्रयोग करते रहते हैं, तो हमारी जो मिट्टी होती है वो नमकीन हो जाती है, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा क्षारीय और सेलाइन, यानी कि कह सकते हैं आप उसको सॉल्टी हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पौधे होते हैं वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और हमारी धीरे धीरे करके मिट्टी जो है वो एक पत्थर जैसा रूप ले लेती है। और उसमें फिर जो है, आप अगर किसानी कर रहे हैं तो अगर आप किसानी करते हैं तो आपकी जो मिट्टी है वो पूरी पूरी जमने लगती है, जिस पर सफ़ेद सफ़ेद जैसे अवक्षेप भी बनने लगते हैं। और गमलों में अगर आप देखेंगे तो गमलों में अक्सर क्या होता है कि गमलों के नीचे वाले हिस्से में या आपकी जो मिट्टी के ऊपरी हिस्से में पीली या सफ़ेद तरह की जो है वो एक लेयर टाइप की बनने लगती है। तो वो लेयर जो होती है वो इसी कारण बनती है, क्योंकि आपकी मिट्टी जो होती है वो क्षारीय ज़्यादा हो रही होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कि हमें इसका किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए और ये कैसे काम करता है। तो हमें क्या करना होता है, जब कभी भी अगर आप इसको आप किसानी में यूज़ कर रहे हैं, यानी कि आप अपने बाग में या अपने अगर खेत में यूज़ कर रहे हैं, तो हमेशा आपकी जो फसल लग रही है उस फसल लगने के जस्ट पहले आप 3 से 4 बार जुताई करने के बाद में फिर उसके ऊपर ये छिड़काव कर दें। और छिड़काव करने के बाद में आपको छिड़काव समान रूप से करना है, यानी कि अगर आप खेत के एक हिस्से में अगर जितना क्वांटिटी में डाल रहे हैं उसी क्वांटिटी में आपको दूसरे हिस्से में भी डालना है। और उसको जो है जब आप पूरे खेत में फैला देंगे तो फैलाने के बाद में उसको हल्की जुताई आपको कर देनी है, यानी कि ऊपर की परत तक पूरी पूरी जो है आपका ये जिप्सम बुन मिल जाना चाहिए। इसका असल काम ये होता है कि आपके जो कैल्शियम के जो आयन होते हैं, वो कैल्शियम के आयन जो है वो सोडियम के आयन, यानी कि जो आपकी लवड़ी आपकी जो बन चुकी होती है मिट्टी, उसमें सोडियम के आयनों की जगह ले लेते हैं, जिसकी वजह से आपकी मिट्टी जो होती है वो ब्रेक होना शुरू होती है, यानी कि जो आपकी चट्टान स्वरूप मिट्टी हो जाती है वही आपकी जो है वो टूटना शुरू होती है। तो जो कैल्शियम के आयन होते हैं वो धीरे धीरे आपकी मिट्टी को भुरभुरा बनाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में क्या होता है, जो इसमें सल्फर होता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जो इनटेक होती है पौधों की, वो सल्फर की कमी के कारण अक्सर नहीं हो पाती है। तो हमें क्या करना है कि हमें इनको गमले में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना होता है, अगर आप मिट्टी की अगर बना रहे हैं अपने गमले की, तो उस गमले की मिट्टी में आप 1 चम्मच से 1.5 चम्मच अपने जिप्सम को डाल सकते हैं, जिससे आपकी मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी रहती है। और अक्सर क्या होता है, जो हमारे साउथ इंडिया के जो इलाके हैं, जो पठारी इलाके हैं, जहाँ पर मिट्टी लाल पाई जाती है या काली पाई जाती है या ऐसी मिट्टी पाई जाती है जो कि सूखने के बाद में चिटकने लगती है, तो वो मिट्टी के कारण क्या होता है कि आपकी जो जड़ें होती हैं उन जड़ों का विकास जो होता है वो एकदम से रुक भी जाता है, क्योंकि जब वो मिट्टी चिटकती है तो जो जड़ें होती हैं वो आपस में टूट जाती हैं। तो उनको उनकी मिट्टी को जो है सुधार करने के लिए हमें उसमें गोबर की खाद और साथ ही साथ जिप्सम का प्रयोग बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम जिप्सम का प्रयोग उसमें करेंगे तो हमारी मिट्टी जो है वो धीरे धीरे करके एकदम भुरभुरी सी बन जाएगी और उसमें जो जड़ों का विकास है वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आपको जो है सरकार की तरफ से सब्सिडी भी इस पर बहुत ज़्यादा मिलती है और आपको ये बहुत ही सस्ते में भी मिल जाएगा। अगर आपको नॉन सब्सिडाइज, जैसे आप होम गार्डनिंग वगैरह के लिए यूज़ करेंगे, तो वो थोड़ा सा आपको महंगा पड़ सकता है। बाकी किसानों के लिए जो है वो सरकार सब्सिडी के साथ में प्रयोग करवाती है, और ये अक्सर आपके जो ब्लॉक स्तर के जो किसान कार्यालय होते हैं वहाँ से आपको अच्छी सब्सिडी के साथ में उपलब्ध भी हो जाती है। और इसके साथ में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप इसका स्टोरेज कर रहे हैं तो स्टोरेज करने के लिए आपको उसमें ध्यान रखना है कि जो आपकी जहाँ पे नमी वाली जगह है वहाँ पे इसको बिल्कुल भी स्टोर ना करें। अगर आप नमी वाली जगह पे करेंगे तो जिप्सम जो होता है वो जमने लगता है, यानी वो खुद भी एक पत्थर जैसा रूप ले लेता है। तो उसको फिर हमें बाद में क्या करना होता है, उसको यूज़ आप कर सकते हैं क्योंकि वो ख़राब नहीं होता है। जिप्सम कभी भी एक बार प्रोड्यूस होने के बाद में वो ख़राब नहीं होता है। तो इसको हम कहीं भी ऐसी जगह पर स्टोर करें जहाँ पर जो है वो नमी ना हो और डायरेक्ट जो है सनलाइट ना आती हो। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ेगी और उसमें नमी वाली जगह अगर होगी वहाँ पे, तो धीरे धीरे करके ये खुद पत्थर का रूप ले लेगा, तो आपको छिड़काव करने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो
आपको करना ये है, आपको सिर्फ अपने मिट्टी को सुधार के लिए, या आपकी अगर कहीं भी मिट्टी आपको ख़राब हो रही है, आपकी मिट्टी क्ले का स्वरूप में है, या आपकी मिट्टी जो है वो भुरभुरी नहीं है, पथरीली हो रही है, उसमें सफ़ेद सफ़ेद से अवक्षेप आ रहे हैं, तो आपको उसमें जिप्सम का प्रयोग अवश्य रूप से करना है। और मेरे तो सलाह यह रहेगी कि आप किसी कभी भी जब भी कोई आप फसल नहीं लगाएं, तो उस फसल के जो आप पहले कम से कम आप फसल लगाने के कम से कम नहीं तो 15 से 20 दिन पहले जिप्सम का छिड़काव ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि जो कैल्शियम की कमी है ज़मीन के अंदर वो भी पूरी हो जाएगी और आपकी मिट्टी जो है वो और भुरभुरी हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।